अंत से जो है ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या केस हुआ है, मतलब केस हुआ है मानहानि का केस हुआ है, 406, 420, 403 का केस हुआ है, 506 उसमें लगा हुआ है। अब न्यायपालिका आज ऐसे था, आज ऐसे नहीं हुआ, चूंकि मुख्य गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझाजी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, जी हाँ बड़ा खबर, संत जियर स्वामी आ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर भइल केस। पूरा मामला बताई भोजपुरी समाचार, साथे साथ बक्सर व्यवहार न्यायालय के वकील साहब के बयान भी सुनाई भोजपुरी समाचार। बस खबर के अंत तक बनल रही चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कैसन लागल, शेयर जरूर करी। तो खबर का बा विस्तार से जानी। संत जियर स्वामी महाराज आ केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के खिलाफ बक्सर व्यवहार न्यायालय में केस दर्ज भइल बा। राकेश कुमार राय नाम के शख्स मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में कम्प्लेन केस दर्ज करैले बाड़न। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस पे शिकायत करता राकेश कुमार राय के गवाही होके के रहे, लेकिन मजिस्ट्रेट के गैर मौजूदगी के वजह से अगला तारीख के गवाही हुई। वही दिन बयान के कलम बंद भी कई जाए। सनातन संस्कृति समागम में संत जियर स्वामी जी महाराज पे प्रवचन देवे के दौरान दिव्यांग जन पर गलत टिप्पणी करे के आरोप लगावल गई रहे। दरअसल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा अपन शिकायत में बतावल गई बा कि 7 से 15 नवंबर तक अहिल्या के उद्धार स्थली अहिरौली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा जौन सनातन संस्कृति समागम के आयोजन कल गई रहे, ओमे प्रवचन के दौरान संत जियर स्वामी जी महाराज मंच से दिव्यांगजन के अपमानित कैले रही। आरोप लगावल गई बा जौन शिकायतकर्ता बने वो बतावत रहे कि साक्ष के तौर पर जौन सीडी जमा कल बा ओमे प्रवचन देवे के दौरान मंच से संत जियर स्वामी जी महाराज ई कहत दिखाई दे रहल बानी कि विकलांग के मान सम्मान मिले के चाही, लेकिन कोनो भी प्रतिष्ठित पद ना देवे के चाही, ना ही वो अधिकारी बने। आज वैसन विकलांग के भरमार पड़ल बा जौन अंधा में काना राजा के समान बड़न। जौन व्यक्ति पढ़ल नहीं खे धर्म की व्याख्या कर रहल बा। विकलांग के भक्ति करे के अधिकार शास्त्र जरूर देला, लेकिन धर्म गुरु बन के कोनो पद के प्राप्त करे के वो अधिकारी नहीं खन। राकेश कुमार जौन शिकायतकर्ता बाड़े वो बतावत रहे कि सार्वजनिक मंच से जौना तरह के वाणी के प्रयोग दिव्यांग जन खातिर संत जियर स्वामी कैनी, ओमे दिव्यांग समाज के लोग काफ़ी मरमाहत बढ़न। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांग जन के मुख्य धारा से जोड़े खातिर कई तरह की योजना चलावल जाता है। ऐसा में संत के द्वारा यह तरह के टिप्पणी कल जाता है जौना से मरमाहत होके सनातन संस्कृति समागम के आयोजन करता स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे और संत जी और स्वामी महाराज पे कम्प्लेन केस हम दर्ज करे बानी। वकील साहब का कहतरन ई जान ली। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रामनाथ ठाकुर बतैनी कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा कम्प्लेन दर्ज करावल बा, जौना में 11 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज होके के रहे, लेकिन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उपस्थित ना रहला के कारण अगला तारीख के केस में बयान हुई। बता दी संत जियर स्वामी महाराज के प्रवचन देवे के दौरान वो बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा बा। फिलहाल यह बयान के अभी तक पुष्टि नहीं खे भइल। वही जे सांसद अश्विनी चौबे पो कहनाम बटुए कि सनातन संस्कृति समागम में जम के सरकारी पैसा के दुरुपयोग भइल बटुए, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग भइल बटुए, जेकरा बाद ही कम्प्लेन दर्ज करावल बटुए। अब बयान सुनी या दबा के शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, धन्यवाद। देखिए हमारा क्लाइंट जो है वो मरमाहत हुआ है, आहत हुआ है, वो विकलांग संघ का अध्यक्ष है, जितने भी विकलांग हैं उन लोगों की प्रतिष्ठा की क्षति हुई है, इसलिए ये दुखित होकर के रामभद्राचार्य महाराज जो थे वो भी जन्मांध हैं, अंधा हैं, तो इसको लगा कि नहीं ये जो है दिव्यांगों और विकलांगों पर कुठाराघात है, ऐसे महर्षि संत से जो है ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या केस हुआ है, मतलब केस हुआ है मानहानि का केस हुआ है, 406, 420, 403 का केस हुआ है, 506 उसमें लगा हुआ है। अब न्यायपालिका आज ऐसे था, आज ऐसे नहीं हुआ, चूँकि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय आज न्यायालय में नहीं है,
तो फिर आगे जो है इसे के लिए है अगली तिथि मुकर्रर की जाएगी। सर जिस आयोजन में ये सारी बातें हुई हैं जिसकी चर्चा हो रही है उस आयोजन के आयोजनकर्ता अश्विनी चौबे जी पे भी जो केंद्रीय मंत्री उन पर भी हाँ अश्विनी चौबे जी पर है कि उन्होंने जो है सरकारी तंत्र सरकारी पैसा जनता के पैसा का जो है व्यक्तिगत लाभ राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा परिचय सुन मेरा नाम हुआ रामनाथ ठाकुर अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय बक्सर।